हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू नचल। फ्रेंड्स, जो आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है कि सर, फर्स्ट कट ऑफ अगर आ जाती है तो क्या हमें कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, चाहे वो हमारा ड्रीम कॉलेज हो या नहीं हो, या फिर वो नॉर्मल कॉलेज हो जो हम चाहते हैं वो कॉलेज नहीं हो, तो क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए। सो गाइस, इस बिग क्वेश्चन के बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप मत करना। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आपको कट ऑफ देखना नहीं आती है ना, तो मैंने वीडियोज बना रखी है, आप जाके जरूर देखना कि आपको कट ऑफ कैसे देखनी होती है, कैसे बेस्ट फोर और बेस्ट थ्री को मैच करना होता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जरूर देखना। पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद वो वीडियो जाके देखना। सो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट कट ऑफ में आपके जो बेस्ट थ्री या फिर बेस्ट फोर के मार्क्स है वो मैच हो जाते हैं, मान लो कोई भी कॉलेज, चाहे वो इवनिंग का है, चाहे मॉर्निंग का है, चाहे ऑफ कैंपस है, चाहे नॉर्थ कैंपस है, चाहे साउथ कैंपस है, तो आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गाइस देखो, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए यार। एटलीस्ट एक ड्यू के अंदर सीट तो रिजर्व होगी ना हमारी भाई। ठीक है, माना कि अभी हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिला यार, हम चाहते थे हमें रामजस में मिले, लेकिन मिल रहा है किसी और कॉलेज के अंदर। सो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कहते हैं ना मुंह मांगी चीज नहीं मिलती इतनी जल्दी से। सो हो सकता है यार आपका सेकेंड कट ऑफ में नाम आ जाए, हो सकता है आपका थर्ड कट ऑफ में नाम आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स ना शिफ्ट करते हैं अपने एडमिशन, कोई एडमिशन अपना कैंसिल कराता है, फिर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करता है, किसी का ड्रीम कॉलेज कोई और है, किसी का ड्रीम कॉलेज कोई और है, किसी का नियर बाय कॉलेज कोई और है, तो इसके अकॉर्डिंग ना एडमिशन इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं, सीट वेकेंट होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ जाता है तो आप प्लीज एडमिशन ले लेना, क्योंकि गाइज आपकी सीट रिजर्व होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सीट रिजर्व हो गई तो समझ लेना यार, एक सीट तो आपके नाम की ड्यू के अंदर पक्की है। और अभी ड्यू का फिलहाल हाल फिलहाल ये है कि कट ऑफ हो सकता है हाई जाए, भाई रिजल्ट ही इतना तगड़ा गया है ट्वेल्थ क्लास का, बहुत तगड़ा रिजल्ट गया है, इतने लोग पास हुए हैं। और बाकी यार सेटिस्फाइड नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज इस बार पासिंग बहुत ज़्यादा है। सो देखो क्या होगा, बाकी कट ऑफ जैसी भी जाने वाली है अच्छी जाने वाली है, आप सभी के लिए जाएगी, एडमिशन ज़रूर होंगे, ऐसा तो नहीं है कट ऑफ इतनी हाई निकाल दे कि एक भी बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा हो, आप सभी के लिए होंगे एडमिशन, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बस इतना याद रखना कि जिस भी कॉलेज में आपका फर्स्ट में आ जाए, ठोक दो, अप्लाई कर दो भाई, बाद में सीट नहीं मिलती है, बाद में लोग रोते हैं यार मैंने एडमिशन क्यों कैंसिल किया। अब मैं से लास्ट ईयर भी मैं वीडियोस बना रहा था, लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर एडमिशन शुरू हो गए थे, सो बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैंने एडमिशन क्यों कैंसिल करा लिया, मुझे दोबारा से री एडमिशन कराना है। अरे भाई नहीं होगा, एक बार अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कर दिया, फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपके बेस्ट थ्री या फिर बेस्ट फोर के मार्क्स मैच हो जाते हैं, अपनी एक सीट रिजर्व कर लेना, बाद में अगर आपके ड्रीम कॉलेज में है सेकंड कट ऑफ में, देन वहां से कैंसिल कराना और सेकंड कट ऑफ में अप्लाई कर देना, फी आपकी पूरी रिफंड हो जाती है या फिर फी आपकी एडजस्ट हो जाती है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर दूसरे कॉलेज की फी ज्यादा है तो आपको पे करनी पड़ती है, अगर दूसरे कॉलेज की फी कम है तो आपको जो बैलेंस फी होती है वो आपको रिफंड हो जाती है आपके अकाउंट के अंदर। आपने ड्यूरेशन किया है ना, तो उसके अंदर जो आपके अकाउंट से डिटेल्स मांगी है ना, वो इसीलिए मांगी है, आपको फी रिफंड दे दी जाएगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई कर देना। देखो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 2013 के बैच में मेरा एडमिशन हुआ था बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। सो भैया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो कॉलेज आए ना पकड़ लो, और उसके बाद फिर अपना शिफ्ट करते रहो, माइग्रेट करवाते रहो, यार क्या दिक्कत है, सेकंड ईयर क्या सेकंड ईयर के अंदर भी माइग्रेशन होता है, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अपनी सीट पक्की कर लो, उसके बाद शिफ्ट करते रहो, अपने ड्रीम कॉलेज का वेट करते रहो, हर कट ऑफ में मैच करते रहो, जिस भी कट आपको लगे कि भाई हाँ ये वाला कॉलेज इससे बेटर है, नियर बाय भी है, मेरे फैसिलिटी ज़्यादा फैकल्टी ज़्यादा है, तो भैया शिफ्ट करो फिर, समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। गाइज मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि यार जिस स्टेज पे मैं 2013 में था, आज उस स्टेज पे आप हो, लेकिन मेरे को गाइड करने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था, कोई यूट्यूब इतना नहीं था यार इंडिया के अंदर, जितना अब हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है घर बैठे बैठे, तो बहुत अच्छी बात है। सो इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बस इतना सा काम करना यार। अगर मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, मेरी वीडियोस को थोड़ा सा स्प्रेड करें, ताकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़े और मजे आ जाए, मुझे खुशी हो जाए, मोटिवेट हूँ यार कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी मेहनत और मेरा एक्सपीरियंस लोगों के काम आ रहा है।
सो मैंने आपको थोड़ा सा सजेशन दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेरी पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको कट ऑफ कैसे देखनी होती है, किस तरीके से मैच करना होता है, मैंने पूरा वहाँ पे लाइव एग्जांपल दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लिक करो, वो वीडियो भी जरूर देखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ अपडेट्स आती है आपकी तो डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूं, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, आपका एडमिशन 100% हो जाए। सो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं पुराने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।